तो अब हम सेकंड ऑर्डर वाली जो है डिफरेंशियल इक्वेशंस कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मेनी सॉल्यूशन डज इक्वेशन डी एन वाई प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई प्लस ए टू डी एन माइनस टू वाई प्लस डॉट 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 प्लस ए एन वाई इक्वल्स टू आर एक्स हैव। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा, एन हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा टू है, सपोज ऑक्सिलरी इक्वेशन हैव कॉम्प्लेक्स रूट्स एम इक्वल्स टू पी प्लस माइनस आई क्यू देन वाई सी इक्वल्स। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों ही करेक्ट होंगे, यानी ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, थर्ड हमारा क्वेश्चन है, एक सेकेंड रुकिए। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन इफ रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर वन माइनस वन माइनस वन वन प्लस माइनस टू वाई। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, सी वन ई द पावर एक्स प्लस सी टू ई द पावर माइनस एक्स प्लस सी थ्री एक्स ई द पावर माइनस एक्स प्लस ई द पावर एक्स सी फोर कोस टू एक्स प्लस सी फाइव साइन टू एक्स। क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा, सॉल्यूशन ऑफ वाई डबल डैश माइनस सिक्स वाई डैश प्लस नाइन वाई इक्वल्स टू जीरो। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, सी वन प्लस सी टू एक्स ई द पावर थ्री एक्स। क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा, सॉरी क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारा, फोर हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फाइव है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल सॉल्यूशन टू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टेन डी वाई बाई डी एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव वाई इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर होगा, ए एंड बी यहाँ पे कॉन्स्टेंट हैं, तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वाई इक्वल्स टू ए एक्स ई द पावर माइनस फाइव एक्स प्लस बी ई द पावर माइनस फाइव एक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारा है, विच इज़ द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सॉल्यूशन ऑफ डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू जीरो। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, वाई इक्वल्स टू ए ई द पावर माइनस वन माइनस आई टी प्लस बी ई द पावर माइनस वन प्लस आई टी। क्वेश्चन नंबर सेवन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्यूशन ऑफ, एक सेकेंड रुकिए, क्वेश्चन नंबर सेवन फिर से देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्यूशन ऑफ डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस सेवन डी वाई बाई डी एक्स प्लस टेन वाई इक्वल्स टू जीरो। तो क्वेश्चन नंबर सेवन का हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, वाई इक्वल्स टू ए ई द पावर टू एक्स प्लस बी ई द पावर फाइव एक्स। क्वेश्चन नंबर एट है, सोल्यूशन ऑफ डी टू डी स्क्वायर प्लस वन वाई इक्वल्स टू जीरो इज, वह डी क्या है हमारा, डी अपॉन डी टी है। तो हमारा एट्थ क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सी वन कोस टी प्लस सी टू साइन टी। क्वेश्चन नंबर नाइन है हमारा, सॉल्यूशन ऑफ डी क्यू प्लस एट वाई इक्वल्स टू जीरो इज, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, सी वन ई द पावर माइनस टू एक्स प्लस ई द पावर एक्स सी टू कोस रूट थ्री एक्स प्लस सी थ्री साइन रूट थ्री एक्स। क्वेश्चन नंबर टेन है हमारा, यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ डी क्यूब माइनस डी वाई इक्वल्स टू जीरो इज, तो क्वेश्चन नंबर टेन का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, सी वन ई द पावर एक्स प्लस सी टू ई द पावर माइनस एक्स प्लस सी थ्री। इलेवंथ हमारा क्वेश्चन, द नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर इज, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी टू। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर में देखिए, सेकेंड ऑर्डर की होगी तो यहाँ पे टू ही सॉल्यूशन इसके हो सकते हैं, जिस ऑर्डर की होगी उतने सॉल्यूशन उसमें होते हैं। अगर जनरल सॉल्यूशन की बात करें, आपने इलेवंथ और ट्वेल्थ क्लास में भी पढ़ा होगा ये सब। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है, द नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर इज, अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करें तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन यहाँ पे जीरो होगा। ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन यहाँ पे जीरो होगा। क्वेश्चन नंबर थर्टीन, ए पी आई ऑफ अ थर्ड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज हैविंग आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, ज़ीरो होगा आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पे चलते हैं, द नॉन ज़ीरो पी आई कैन बी फाउंड आउट फॉर, और यहाँ पे ब्लैंक है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, नॉन होमोजीनियस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन आपका है वन अपॉन डी कोस एक्स, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, साइन एक्स। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर आपका
16. क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ 4yp(y)(+4y)=4e^2x व्हेन वी यूज अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट मेथड। तो 16 का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, a(e^2x). 17th क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द करेक्ट अजम्पशन 4y(+4y)=2sin3x। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों ही करेक्ट होंगे, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट चॉइस ऑफ yp(4y)+9y=2x2। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ax2+bx+c। 19th हमारा है यहाँ पे, विच मेथड कैन बी यूज टू फाइंड कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ y(a²y)tan(α(x)। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज रंक्सियन ऑफ 1e^x। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर e^x। अब बाकी जो एक्सप्लेनेशन हम लोग अभी अपलोड करने की कोशिश करेंगे, जो ये आपका पार्ट है इसकी एक्सप्लेनेशन कोशिश करेंगे कि अपलोड कर दी जाए। थैंक यू वेरी मच।